मदनी चैनल। पिछले कुछ सालों से दावत इस्लामी के मदनी चैनल को लेकर बड़ी अजीब और गरीब बातें की जाती हैं। एक तादाद है जो दावत इस्लामी को मसलक के आला हजरत से खारिज करती है, सिर्फ खारिज ही नहीं करती बल्कि गुमराह भी करार देती है। मसलक के आला हजरत से खारिज करने और गुमराह करार देने की वजह सिर्फ यही है कि दावत इस्लामी वालों ने फतवा दिया कि टीवी जायज है। क्या ये फतवा सिर्फ दावत इस्लामी वालों ने ही दिया? अगर ये फतवेबाज इतने ही इंसाफ पसंद है तो आइए हम आपको शेखुल इस्लाम मदनी मियां दामत बरकात मलालिया का फतवा दिखाते हैं और फिर देखते हैं कि ये फतवेबाज क्या हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियां दामत बरकात मलालिया पर भी यही फतवा लगाते हैं? क्या शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब को भी मसलक के आला हजरत से खारिज करते हैं? शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, तहकीक के बाद ये बात वाजे होती है कि वीडियो कैसेट में किसी तरह की कोई तस्वीर नहीं छपती बल्कि उसके जरिए उसके सामने वाली चीजों रेज शुआओं किरणों को टेप कर लिया जाता है। टेप हो जाने के बावजूद जिस तरह आवाज की कोई सूरत नहीं हुई बल्कि वो गैर मरी इनविजिबल होती हैं, इसी तरह उन रेज की भी कोई सूरत नहीं होती जिन्हें देखा जा सके। आगे चलकर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, तहकीक के बाद ये बात वाजे हो जाती है कि वीडियो और टीवी के इस्तेमाल करने का मामला बिल्कुल ग्रामोफोन टेप रिकॉर्डर और आइनों के इस्तेमाल करने के मामले की तरह है, जिस तरह बिल इत्तेफाक ग्रामोफोन व टेप रिकॉर्डर से हर वो बात सुनी जा सकती है जिसका सुनना उनके बगैर भी जायज है और जिस तरह आईने के अंदर हर उन चीजों को देखा जा सकता है जिसका देखना आईने के बाहर भी जायज है, बिल्कुल इसी तरह वीडियो और टीवी के जरिए हर उस चीज को देखा और सुना जा सकता है जिसका देखना और सुनना उसके बगैर भी जायज हो। मजीद फरमाते हैं, उलमाए किराम की तकारीर नेज दीनी व मजहबी प्रोग्राम की नशर व इशाअत के लिए वीडियो का इस्तेमाल बिल्कुल जायज है, बल्कि जिन इलाकों में कोई घर टीवी से खाली ना हो और लोग गैर शरई प्रोग्राम देख देख कर अपने अखलाक व किरदार को खराब कर रहे हों, नेज उनके बच्चे भी देखा देखी इसी रविश पर चल रहे हों, निहायत मुनासिब अमल होगा अगर वीडियो के जरिए खालिस दीनी मजहबी इल्मी अखलाकी प्रोग्रामों को घर घर पहुँचा कर उनके अफकार नजरियात की इस्लाह और आमाल अफ़आल की दुरुस्तगी की राह निकाली जाए और उसके जरिए तबलीग व हिदायत और तालीम व इस्लाह का काम अंजाम दिया जाए। इसी तरह अगर एक तरफ लोगों को टीवी के सही इस्तेमाल से रोशनास कराया जा सकता है तो दूसरी तरफ अजीम तामीरी काम भी अंजाम दिए जा सकते हैं और वो भी हदूद शरा में रहकर।